जालौन से इस वक्त ये बड़ी खबर है और पुलिस की दरिंदगी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली है। छेड़खानी का विरोध करना, लड़कियों को भारी पड़ा। दरोगा ने 3 लड़कियों को जेल में डाला। आरोपी युवक के फोन करने पर पहुंचे दरोगा जी। दरोगा जी ने आरोपी युवक का बचाव किया। पुलिस की प्रताड़ना से आहत एक लड़की ने फांसी लगाई, घर आकर फांसी पर झूल गई एक लड़की। परिजनों ने दरोगा योगेश पाठक पर लगाया आरोप। लड़कियों को छोड़ने के लिए मांगा 10,000 रुपया। जी हाँ, 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। लड़की की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा काटा है। उरई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। परिजनों ने दारोगा योगेश पाठक पर आरोप लगाया है। दबंगई का आरोप, रिश्वत मांगने का आरोप, 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई लड़कियों को छोड़ने की एवज में। लड़की की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा काटा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुस्साए परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुशील जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। सुशील, आपसे जानना और समझना चाहेंगे, पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एक बेटी को अपनों ने खो दिया है और उसको लेकर अब हंगामा हो रहा है। जी पंकज, मैं बता दूं, जो पूरा मामला है वो उरई कोतवाली क्षेत्र के नगर उरई का है, जहां पर 3 लड़कियां अपना मोबाइल सुधरवाने के लिए एक मोबाइल शॉप पर गई हुई थी, लेकिन तभी वहां पर जो पहले से लड़के मौजूद थे उनके द्वारा उनके साथ छेड़खानी की गई, जैसा कि लड़की के परिजनों ने बताया। और छेड़खानी के बाद वहां मौके पर पुलिस पहुंचती है और लड़कों की जगह उन 3 लड़कियों को ही पकड़कर पुलिस लाती है और लॉकअप में उनको बंद किया जाता है। इसके बाद जब परिजन लड़कियों को छुड़ाने के लिए जाते हैं कोतवाली और उनसे मिन्नतें करते हैं कि उनकी लड़की को छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस में जो उप निरीक्षक तैनात है जालौन कोतवाली में योगेश पाठक, उन पर परिजन आरोप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 रुपए की उनसे मांग की जाती है लड़कियों को छोड़ने के एवज में। इसके बाद देर रात लड़की को छोड़ा जाता है और उसकी पिटाई का भी परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा और जो उप निरीक्षक है योगेश पाठक उनके द्वारा लड़की की पिटाई भी की गई है, जिससे आहत होकर, पुलिस की पिटाई से आहत होकर लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। जिसके बाद से लगातार परिजन हंगामा कर रहे हैं और पुलिस वहां कोतवाली में जाकर उन्होंने जमकर हंगामा किया है और पुलिस पर आरोप लगाया है। जी पंकज, सुशील, पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, इस हंगामे पर क्या कह रहे हैं? सुशील, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 पंकज, जब पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गई है तो उनका आरोप है कि लड़कियों पर चोरी का इल्जाम लगा था, जिसके चलते उन लड़कियों को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया था, लेकिन परिजन कुछ और ही इल्जाम लगा रहे हैं। परिजन कुछ और ही इल्जाम लगा रहे हैं और जिस तरीके से दारोगा पर ये आरोप लग रहा है कि रिश्वत मांगी गई और पिटाई की गई, और दारोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई जांच? जालौन एसवीर सिंह से बात हुई है तो उन्होंने साफ कहा है कि मामला संदिग्ध है और लड़कियां चोरी करती थी, जिसके एवज में उप निरीक्षक उनको पकड़कर लाए थे महिला कांस्टेबल के साथ, और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा और अगर किसी की भी गलती पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। जी पंकज, नजर बनाए रखिएगा। सुशील, फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूली जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जालौन से घर आकर फांसी लगाई थी लड़की ने, आत्महत्या की थी और उसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा काटा है। पुलिस या कार्यशैली पर कई आरोप मढ़े हैं। लड़की चली गई, अन्याय करो मेरे संग।